सोरिक क्षेत्र में एसटी लाइन का तार गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। थाना क्षेत्र के मजगामा बहादुरपुर गांव निवासी जितेंद्र जीतू उम्र 35 वर्ष पुत्र उमेश चंद्र अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की लाइन निकली हुई है। अचानक शॉर्ट सर्किट होने से बिजली का तार युवक के ऊपर आ गिरा। करंट लगते ही युवक झुलस गया। छत के ऊपर धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तक वे काफी झुलस चुका था। घर के लोगों ने उसे उपचार के लिए डॉक्टर के लिए गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत का समाचार सुनते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। घर परिवार व गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ट्रक चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता था युवक। पत्नी बच्चों सहित सभी का रो रोकर बुरा हाल। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कन्नौज से अमित प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जानो 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 जानो